हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन। तो आप सभी लोगों को आपका जो फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है या आने वाला है या होने वाला है, उस सब के लिए आप सभी लोगों को, सभी बच्चों को मेरे तरफ से और मेरे चैनल के तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक्स, अच्छा प्रिपरेशंस करो और अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने किए थे एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेयर्स, उसके पहले हमने किए थे एडवर्ब, ठीक है। तो सारी चीज़ हमने धीरे धीरे सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप सब कंप्लीट किए थे। तो फिलहाल आज का जो वीडियो रहेगा, आज का वीडियो हमारा होगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। आज का वीडियो है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्लास 5 और चैप्टर 7, क्लियर। तो आज हम जानेंगे कि हमारा जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है क्या है, एडवर्ब काइंड्स ऑफ एडवर्ब में जो एडवर्ब ऑफ टाइम है हमको एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है। तो एडवर्ब्स का जो कैटेगरीज होते हैं, काइंड्स होते हैं, तो उस काइंड्स में हमने पिछले वाले वीडियो में किए थे एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद किए एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अब आज का जो रहेगा ये रहेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो पहले समझ के लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहना चाहता है। नोट, एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन एन एक्शन इज डन। क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन एन एक्शन इज डन। तो ये बता रहा है कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, या कोई भी सेंटेंस आपका दिया गया रहेगा, उस सेंटेंस में आपको पूछा जाएगा कि अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ टाइम, या सिलेक्ट द एडवर्ब ऑफ टाइम, चूज द एडवर्ब ऑफ टाइम। तो उस एडवर्ब ऑफ टाइम का पहले जो चीज है उसको पहले हम अच्छे से जानेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम को कैसे कैच करते हैं, ठीक है। तो शोज व्हेन एन एक्शन, तो आपको पता है कि जो एक्शन होता है, मतलब हमारा जो वर्ब है उसे ही कहते हैं एक्शन वर्ड, ठीक है। तो जब एक्शन वर्ड होता है तो उस एक्शंस, जो एक्शंस होता है, वो जो एक्शन या डूइंग वर्ड्स का जो वर्ब है, या एक्शंस जो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, कोई भी परफॉर्म करता है, तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम में वो क्या कहना चाहता है, शोज व्हेन एन एक्शन इज डन, मतलब जो एक्शन होता है कब होता है। तो व्हेन, व्हेन का मतलब कब, व्हेन मतलब कब, मतलब फिर से मैं बता रहा हूं कि एडवर्ब ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले यह जानना है कि हमारा जो एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे पता चलेगा, शोज व्हेन एन एक्शन इज डन, मतलब जो एक्शन है वो एक्शन आपका हो चुका है या हो रहा है कब। तो हो चुका में ही कब आएगा ना, ठीक है ना, कब या अब, ठीक है। तो उसको हम समझ लेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो सिंपली हमको याद रखना है कि व्हेन, व्हेन द एक्शन इज डन। तो एक्शन मतलब जो वर्ब होता है वो वर्ब कब हुआ है या हो चुका है या हो रहा है। आई बात समझ में? एकदम इजी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी आपका जो एडवर्ब ऑफ काइंड्स में जो जो आपको मैंने कराया है वो वेरी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो पहला वीडियो आप देख लीजिए जो एडवर्ब में है, फिर उसके बाद आपका जो एडवर्ब ऑफ काइंड्स है उसमें भी मैंने बताया है, एक्सप्लेन किया है। फिर एडवर्ब ऑफ काइंड्स में आपका एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने बताया, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताया, अब आज का जो वीडियो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जल्दी से फटाफट लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, लाइक तो बनता ही है, ठीक है। और आप लोगों का बहुत सारा ढेर सारा प्यार मुझे मिलता है, तो मैं इसी हिसाब से वीडियोस भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो क्या बता रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम? एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है शोज व्हेन एन एक्शन इज डन, मतलब ये है कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है कब एक्शन हो चुका है या हो रहा है या होने वाला हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। तो अब एग्जांपल के थ्रू में जाते हैं तो आपको वेरी इजी वे में समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल बता रहा है, जॉन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब जॉन कौन है? जॉन एक पर्सन है, ठीक है। अर्ली, अर्ली, जॉन गेट्स अप अर्ली, ठीक है। अब जॉन एक पर्सन है, जॉन क्या परफॉर्म कर रहा है? गेट्स, गेट्स मतलब वर्ब जो हमने यहां पे देखा है, व्हेन एन एक्शन, ठीक है ना, एक्शन, एक्शन मतलब गेट्स अप, गेट्स अब, ठीक है, ये हो गया एक्शन। अब हमको एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है शोज व्हेन, व्हेन मतलब कब, कब या कितना बजे, कब या कितने बजे, ये याद रखो। एडवर्ब ऑफ टाइम में आपको अगर आइडेंटिफाई करना है या आपको कैच करना है कहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम है तो कब या कितना बजे, क्लियर। तो देखो यहां पे जॉन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब हर कोई अर्ली मॉर्निंग उठता है, तो कोई कोई लेट से उठते हैं। तो यहां पे बता रहा है कि जॉन, जो जॉन है एक पर्सन है,
वो उठ जाता है, उठ जाता मतलब वर्ब हो गया उठना, ठीक है। अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, अर्ली मतलब जल्दी, कितना, इन द मॉर्निंग, कब, कब, अर्ली इन द मॉर्निंग, कब, वेन मतलब कब, ठीक है, कैसे, ये आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा वेन एन एक्शन इज डन, कब हुआ था एक्शन, गेट्स अप अर्ली, गेट्स, एक्शन कब हुआ, अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में हुआ, ठीक है। अब बता रहा, सुनीता इज राइटिंग, सुनीता इज राइटिंग एन एप्लीकेशन नाउ टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना, सुनीता इज राइटिंग एन एप्लीकेशन नाउ टू द प्रिंसिपल। तो सुनीता एक पर्सन हो गई, ठीक है, एंड राइटिंग हमारा वर्ब है, हमको पता है कि वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन मतलब डूइंग वर्ब। तो सुनीता कर क्या रही है, लिख रही है, क्या कर रही है, लिख रही है, क्या लिख रही है, एप्लीकेशन लिख रही है, किसको, प्रिंसिपल को, कब, वेन मतलब कब, नाउ, आई बात समझ में, नाउ, ये जो मैं सर्कल्स कर रहा हूं या आपको जो हाईलाइट्स कर रहा हूं इसके अंदर, बॉक्स के अंदर लगा रहा हूं, तो यही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा जो कि हमको आइडेंटिफाई करना है, वेरी इजी वे में। बस नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई हैव विजिटेड टू गुरुद्वारा फॉर एवरी सॉरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई हैव विजिटेड टू गुरुद्वारा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। देखो अब वेन मतलब कब, वेन मतलब कब, मतलब टाइम मैंने बताया अभी कि वेन मतलब कब और कितने बजे, कब और कितने बजे, तो कितने बजे तो हम बाद में देख लेते हैं क्योंकि कितने बजे का कभी कभी सेंटेंस में आता है, लेकिन कब के हिसाब से हमको कैच करके ज्यादातर जाना है, ठीक है। तो वेन मतलब कब, हम पूछते हैं ना, वेन हैव यू वेंट टू द टेम्पल, ठीक है, तो वो बोलता है कि जो भी आपने जिसको भी पूछा जाएगा तो वो आंसर क्या देता है, आई वेंट टू द टेम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, तो इस तरह का अर्ली इन द मॉर्निंग अर्ली, ठीक है। तो इस तरह से सुनीता इज राइटिंग एन एप्लीकेशन नाउ टू द प्रिंसिपल, तो सुनीता क्या कर रही है, लिख रही है, एप्लीकेशन लिख रही है प्रिंसिपल को, कब लिखी उसने, नाउ, अभी अभी, अभी कब, अभी, आई बात समझ में। थर्ड एग्जांपल, आई सॉरी हाँ, आई हैव विजिटेड टू गुरुद्वारा फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, अब मैं विजिट किया कर चुका हूं गुरुद्वारा फॉर द फर्स्ट, मतलब मैंने जिसको बताया कि मैं गुरुद्वारा गया था, मेरा फर्स्ट टाइम में गया था, तो यहां पे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम ये शो किया इसने, वेन मतलब कब, फर्स्ट टाइम, पहली बार, आई बात समझिए। लास्ट सेकंड फोर्थ नंबर एग्जांपल, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर वेन सॉरी लास्ट ईयर वी वेंट टू पुरी जगन्नाथ टेम्पल, क्या बताया यहां पे एग्जांपल में, लास्ट ईयर वी वेंट टू पुरी जगन्नाथ टेम्पल, तो जगन्नाथ टेम्पल तो हो गया हमको पता है, ठीक है, वी मतलब हम लोग, प्रोनाउन, आई बात समझ में, वी मतलब प्रोनाउन हम, अच्छा वेंट, वेंट मतलब हमारा हो गया गो का फॉर्म, वर्ब फॉर्म, ठीक है, गो का वेंट, वेंट मतलब वर्ब में आ गया हो, वर्ब या डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड जो आप लोग बोलते हो जैसे आपको समझ में आता है, तो वर्ब, तो वर्ब हो गया वेंट। अब वो बोलता है कि इसमें शो वेन एन एक्शन इज डन, तो एक्शन कब हुआ है इसी अंदर, तो एक्शन चीज यहां पे हमको मिला ये एक्शन, ये हो गया हमारा प्रोनाउन, वी हो गया प्रोनाउन, वेंट हो गया हमारा एक्शन, टू पुरी, लेकिन कब, लास्ट ईयर, आई बात समझिए, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर वी वेंट टू पुरी जगन्नाथ टेम्पल, आई बात समझ में, एकदम इजी है। नेक्स्ट फाइव नंबर एग्जाम्पल देखो, इट विल टेक अबाउट 3 आवर्स टू रीच बीबीएसआर बाय बस, तो क्या बोलता है, जो भुवनेश्वर, बीबीएसआर का मतलब भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा में है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, राइट, अच्छा, तो इट विल टेक अबाउट 3 आवर्स टू रीच भुवनेश्वर बाय बस, तो बोलता है कि बस में जाने के लिए या बस में सफर करके जाने के लिए आपको 3 घंटे का समय लगेगा, तो बोलता है कब, 3 घंटा, कब, 3 घंटा, आई बात समझ में, अबाउट, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट सिक्स नंबर, इट विल टेक हाफ एन आवर टू कंप्लीट माय होमवर्क, इट विल टेक टू कंप्लीट ऑफ हाफ एन आवर टू कंप्लीट माय होमवर्क, तो मेरा जो होमवर्क है मुझे कंप्लीट करने के लिए आधे घंटे की जरूरत है,
आई बात समझ, आधे घंटे। तो कब कितना, कितना कब कितने बजे, ठीक है, तो कितना, आई बात समझ में। ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को दर्शाता है कब और कितने बजे, यही समझ जाओ, कब और कितने बजे। बाय टुमोरो, बाय टुमोरो मॉर्निंग आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, मुझे कल सुबह, कल सुबह, कल सुबह सुबह आई विल, मुझे जाना है दिल्ली, ठीक है। तो अब देखो, आई हो गया प्रोनाउन, विल हो गया ए रेस्ट, मतलब ये हो गया अदर सेंटेंस, क्योंकि कॉमा के बाद अदर सेंटेंस है। तो मुझे जाना है दिल्ली कब, मुझे जाना है दिल्ली कब, बाय टुमोरो, ठीक है ना। सुबह तो हमको पता है कि सुबह तो कुछ ना कोई ना कोई एक पेज होता है, लेकिन कब जाना है, टुमोरो, आई बात समझ में, टुमोरो। क्लियर, टुमोरो। नेक्स्ट, श्याम वॉज सफरिंग, श्याम वॉज सफरिंग बाय कोल्ड फीवर लास्ट नाइट। अब श्याम एक पर्सन है, वॉज हो गया हमारा वर्ब, ठीक है, वर्ब, अच्छा उसके बाद सफरिंग, ठीक है, ये हो गया सफरिंग मेन वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब, सफरिंग हो गया आपका मेन वर्ब। बाय कोल्ड फीवर, मतलब उसको कोल्ड फीवर हुआ है, कोल्ड फीवर हुआ है, लेकिन कब हुआ है कोल्ड फीवर, लास्ट नाइट, मतलब पिछले रात को, गए रात को, मतलब लास्ट नाइट को। तो कब हुआ है, लास्ट नाइट को फीवर हुआ है, किसे हुआ है, शाम को हुआ है। तो शाम वॉज सफरिंग बाय कोल्ड फीवर लास्ट नाइट, गॉट इट। तो आप लोगों का जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लो। बट उसके पहले आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं, आप ध्यान से देख लो, जो कुछ वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में मिलते हैं, और उस सेंटेंसेस में आपको अगर आइडेंटिफाई करने बोला रहेगा या सर्कल या अंडरलाइन करने बोला रहेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, देन यू स्टूडेंट यू हैव टू चेक द सेंटेंस रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट, एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन एन एक्शन इज डन। क्लियर हो गया, तो एक्शन ऑफ एक्शन वॉज व्हेन एन एक्शन इज डन, मतलब कब ये एक्शन हुआ है, कितने बजे का, कितने बजे एक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो अभी देखो ये वर्ड्स है, लेटर, सुन नाउ, टुडे, लेटर अगेन मैंने लिख दिया है, ठीक है, लेटर, सुन नाउ, टुडे, एवरी डे, लास्ट मंथ, टू नाइट, लास्ट वीक, इमीडिएटली, एनुअली, रिसेंटली, वाइल। तो लास्ट के जो पिछला वाला वीडियो था उसमें जो हमारा मैं बता रहा था आपको कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में, तो मैंने रिसेंटली के ऊपर एक सेंटेंस एग्जांपल में था, तो उस रिसेंटली का जो एग्जांपल था, इस रिसेंटली में वो टाइम को जाता है। जो आप नहीं देखे हो उस वीडियो को देख लेता, और अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम और थोड़ा बहुत कुछ डाउट रहता तो आई एम श्योर आप अगर लास्ट वाला वीडियो देखोगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, देन यू पीपल विल गेट द गुड क्लियर कंसेप्ट, क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम भी आपका बहुत इजीली हो जाएगा। तो राइट नाउ आप लोग फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे।